वालेकुम। आज हम इस्लामियात के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जमजम मीन, जमजम का क्या मतलब है? स्टॉप फ्लोइंग, जमजम का मतलब है स्टॉप फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर टू है, दी वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम एज अ नेम हैज़ बिन मेंशन इन कुरान ओनली, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का नाम कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? तो ये चार मरतबा आया है। जिहाद वाज अलाउड इन, जिहाद का हुक्म कब हुआ या जिहाद कब फ़र्ज हुआ? तो ये 2 हिजरी में। दी नाइन्थ ईयर ऑफ हिजरा इज़ नाउन इन मुस्लिम हिस्ट्री एज अ ईयर ऑफ डेपुटेशन, डेपुटेशन जो है वो नाइन्थ ईयर को ईयर ऑफ डेपुटेशन कहते हैं। दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम स्टार्ट टू प्रीच ओपनली इन डैश नबवी, तो ये 4 नबवी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ओपनली इस्लाम की तबलीग शुरू की थी। डैश वाज गिवन द टाइटल ऑफ स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट्स, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट का टाइटल दिया जाता है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला बिलोंग टू विच ट्राइबल, के हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला का तलक किस कबीले से था? तो ये बनू तयाम है, तो ये आप याद रखें। केव हिरा इज इन डैश माउंटेन, के गार हिरा किस पहाड़ में वाक़ है? तो ये अन्नूर है, तो ये आप याद रखें, ये जबल नूर भी इसे कहते हैं। अल हुदैबिया ट्राइटी वाज सक्राइब्ड बाय, कि जो सुलह हुदैबिया हुई थी ये किसने सक्राइब्ड किया था, इसको यानी कि लिखा था? तो ये अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिया सही सित्ता वाज और डैश बुक्स ऑफ हदीस, के सही सित्ता हदीस की कितनी किताबों को कहते हैं? तो ये 6 किताबें हैं जिनको सही सित्ता कहते हैं। हजरत अली वाज मैयत इन डैश हिजरा, के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला किस हिजरी में शहीद हुए? तो 40 हिजरी में, और आपको मस्जिद ऑफ कूफा यानी कि कूफा की मस्जिद में शहीद किया गया था, और आप नजफुल शरीफ इराक में मदफून हैं। इन हज स्टोनिंग द डिविल इज कॉल्ड, के आज के मौके पे शैतान को कंकरियां मारना क्या कहलाता है? तो ये रेमी कहलाता है। इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंटेन मरवा इज कॉल्ड, के सफ़ा एंड मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तो उसको सही कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन कॉल्ड जिहाद अकबर बाय होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, के कौन से जो एक्ट है उसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने जिहाद अकबर का नाम दिया? तो वो अगेंस्ट हिमसेल्फ, के अपनी खुद ही यानी कि अपने नफ्स के खिलाफ जो जिहाद है उसको जिहाद अकबर का नाम दिया गया है। द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज, के फर्स्ट जो चार्टर है ह्यूमन राइट का वो क्या है? तो वो खुद पे हजतुल विदा है, जो कि 9 ऑफ़ ज़ुलहज को हुआ था 10 हिजरी में। When did the caliph start and end? ये है कि इस्लाम की जो अजीम खिलाफतें हैं वो हैं, पहली है राशिदुन यानी कि ये जो खलीफाओं की जो थी, पहली वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला इसके पहले, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इसके आखिरी खलीफा थे। उसके बाद बनू मुय्यदा की आई है खिलाफत, तो ये शुरू हुई थी 661 और ये 750 तक जारी रही थी। इसके बाद अब्बासी खिलाफत आई थी जो कि
750 से 1517 तक कायम रही। द फर्स्ट उमैयद खलीफत वाज, यानी कि बनु उमैया का ये एक कबीला था जिसकी ये खिलाफत कायम हुई थी। तो इनके जो फर्स्ट जो सरदार थे वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये आप याद रखें। टाइम पीरियड ऑफ उमैयद खलीफत के, इनका पीरियड कितना था, तो ये 661 से 750 तक जारी रही थी, जो कि ये इस नक्शे में दिखाया गया कि ये कहाँ कहाँ तक थी, ये भी आप देख लें। जिब्राल्टर वर्ड इज़ फेमस ऑन द नेम ऑफ विच इस्लामिक वॉरियर, कि जिब्राल्टर का जो नाम है वो किस इस्लामी जंगजू की वजह से मशहूर है, तो ये तारिक बिन ज़ियाद है, ये आप देखें तो ये जिब्राल्टर है, ये यहीं पे तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियाँ जलाई थी। इसको अगर वैसे आप देखें तो ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है और दो ये जो वो है समंदर है इनको मिलाती है, जिनमें मेडिटेरेनियन सी को मिलाती है ये अटलांटिक ओशन से, ये भी आप याद रखें। और ये जिब्राल्टर इस वक्त ये जो है ये स्पेन के साथ है, लेकिन ये पार्ट जो है ये यूके का है। व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एज कितनी थी, तो वो 950 साल। हु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत इब्राहिम ये जो सबसे छोटे बेटे थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका नाम हज़रत इब्राहिम था। हज़रत उस्मान डिड बिलोंग टू, हज़रत जो उस्मान है उनका तलक किस कबैल थे, तो बनी उमैया से है। विच सूरत कॉल्ड ज़ीनतुल कुरान, तो ये सूरतुल रहमान, सूरह रहमान जो है ये ज़ीनतुल कुरान है। तो ये था आज।